मैंने जान करके थोड़ी करा है। अबे तो भाई जी तुम्हारे से ही हुआ है। तो खुद आएगी यार, जल्दबाजी में निकल गई वो। देखो इधर बैठी हुई है वो, देखो नीचे से वो बैठी हुई है। छूट गई है दोस्तों वो भी, वो बैठी हुई वो रही, वो नीचे की तरफ टेंड किया गया यार। अबे यार ये कैसे हाथ से निकल लिया, क्या हो रहा है यार। तो मैं जान करके थोड़ी छोड़ी है यार, पानी डाला था नीचे से निकल गई है यार। वो देखो यार वो बैठी हुई यार दोस्तों। अबे यार ये कैसे बैठ गई यार। हमने यार व्लॉग एंड कर दिया था और नीचे जा रहा था मैं सिर्फ पानी डालने के लिए, इनको झुकाऊं वहां पे तुम्हारे सामने पानी डाला और ये हाँ। निकली है। अबे कैसे बाहर आ गई यार। मैं पकड़ूं कैसे इसको यार मैं। तो यार इसको जो है मैं सोचता हूँ फुरकान उसी साइड रो कोने पे इसको ये रखते हैं हम दाना, क्या पता है दाने को देख कर आ जाए, है ना। छोड़ दो इसको मत हिलाओ यार। आ आ आ इधर रख देता हूँ यार, ये यहाँ पे भी उतर गई ना तो हमारे लिए पकड़ने के हैं आसानी हो जाएगी। वो देखें यार ये बैठी हुई बिल्कुल, ये देखें करीब बैठी हुई है यार बिल्कुल। ये हाथ आ जाए यार, अल्लाह करे। आ आ यार ये हाथ आ जाए, क्या हुआ है यार मेरे से, बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं कैसे निकली है यार। हैं नहीं नहीं बाजरा उछालेंगे निकल जाएगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है या तो इसको बैठे ही रहने दूं वहां पे रात में, रात में उतारते हैं। अबे जब भी उतारोगे वो तो, अभी तो इसको रखना फजूल है, रात में थोड़ा यार ये ठंडी पड़ जाएगी, इसको या कोई वो नहीं रहता, दिखेगा नहीं तो ये उड़ने में वो होगी। अपन चुपचाप रखेंगे स्टूल और मैं जल्दी से पकड़ लूंगा, समझे। तो रात का वेट करते हैं यार अब, और देखते हैं यार दोस्तों अगर अभी हाथ आ गई कुछ भी करके तो मैं अभी पकड़ लूंगा, नहीं तो रात का वेट करते हैं। उड़ गई वो, जा के बैठ गई, गई वो गई इधर से जाए शायद। कहाँ है बोरी 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 पिलर पे बैठी हुई ऊपर। अबे यार वो बैठ गई दोस्तों, ये रही छोटी सी नजर आ रही है, ये थोड़ी है वही बैठी हुई वहाँ। अरे बोरी हाँ वो देखो ऊपर आ गई सामने दिख रही है मुझे, वो देखें दोस्तों वहाँ जाके बैठ गई है यार, अभी अभी गई है उड़ के। अबे यार बहुत गलती हो गई हमसे यार, वो बैठ गई जाके, इसको कैसे पकड़ूं यार, पता नहीं कैसे हाथ से छूटी है, क्या हुआ है। तो यार दोस्तों मैं जो नीचे आया हूँ इनका गेट बजा के देखता हूँ, अगर ये हैं तो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं यार। A few moments later. तो यार दोस्तों वो चिड़िया जो है मैं गया उनके घर नीचे, बट उन्होंने गेट ही नहीं खोला, उनके यहाँ शायद कोई है ही नहीं है, इतना बजाया और आखिरकार वो उड़ गई भाई। वो देखें अपनी जगह पे वो है ही नहीं, इधर ऊपर बैठी हुई थी ये जो जगह बनी हुई है ना इस तरफ, इधर ऊपर बैठी हुई थी वो, उड़ गई। फुरकान ने देख लिया, बस मैं नीचे खड़ा हुआ था और मोबाइल मेरे पास था तो मैं ऊपर जाता लेता और वो सीधी कहीं कहाँ गई होगी, अब तो यार पता भी नहीं है कहीं भी गई हो, मिलना मुश्किल है उसका, कहाँ से मिलेगी यार अब दोस्तों। खैर से वो उड़ गई यार, अब गई, हमारी किस्मत में नहीं थी यार ये। चलो यार कल मिलते हैं आप लोगों से सुबह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो पीछे जो यार हमदा वो जो है इनके लिए आटा लेकर आया था नीचे से, तो आज जो है दोस्तों हम इनको आटा गारा सारी गोलियाँ बना के इन सारों को खिलाई हैं, ताकि इनका जो है बाजरे से थोड़ा सा दिल भर गया था बेचारों का, तो आज हमने वो भी खिला दिया इन्हें। तो खैर से यार दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो, और बाकी दोस्तों अब मैं बात करता हूँ मेन चीज़ की, जो आप लोगों ने जो कल की वीडियो देखी, जो हमारा व्लॉग एंड हुआ था उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाई है, जो भी आप लोगों ने शुरू में देखी होगी कि किस तरीके से यार हमारी जो डव है वो उड़ गई,
तो यार मैं बताता चलूं कि वो उड़ी कैसे। तो यार दोस्तों मैं इनका ना शाम के टाइम, मैं फुरकान उस तरफ बैठा हुआ था उधर चेयर पे, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी हटाई है और पानी निकालने के, इसका ये है ना पानी इधर से निकालने की कर रहा था, वो इस साइड से निकल के इधर मेरे फेस पे टच हुई है। मैं इतना करीब ऐसे बैठ के निकालता हूँ ताकि निकलना जाए, पर भाई वो इतनी तेज़ आई है फेस पे टच हो गया मेरे, वहाँ गई है पीछे, मैंने हाथ पैर मारे थोड़े बहुत, उसके बाद वो इस तरफ पूरी घूमते घुमाते हुए सीधा इसके ऊपर जाके बैठी है। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये जो हमारा टेंट बंधा हुआ ये इस तरफ, ये ऊपर की तरफ इधर बैठ गई जहाँ मेरी उंगली है। तो बस यार इसी जगह से ना दोस्तों वो बैठी रही तकरीबन 20 से 25 मिनट वो बैठी दोस्तों, और उसके बाद जो है वो इधर से उड़ के सामने वालों के घर के उधर, वो जो इनकी दिख रहा है ना ऐसे ही आप लोगों को शेप, उधर जाके बैठ गई ऊपर। उसके बाद जब मैं नीचे गया उनका गेट बजाया, उनका कोई भी नहीं था शायद, और जनरेटर चल रहा था तो उनकी आवाज़ नहीं जा रही थी गेट की, ना बैल उनकी बजरी में, बजा के थक गया और मजबूरन थक हार के यार वापसी आ गया। तो समझ नहीं आया किस तरीके से निकली यार डव, बस उसका लिखी थी किस्मत में, उसका आज़ाद होना लिखा था शायद मेरे लिहाज से दोस्तों, पर हमारा ना बैठे बैठाए नुकसान हो गया, फजूल का यार, फजूल का नुकसान था बिल्कुल, यकीन जाने हमारे चुलबुल जो है वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। मैं दिखाऊँ आप लोगों को, चुलबुल ही हम लाए थे एक उसके लिए, बेचारा वो बिल्कुल अकेला पड़ गया इस चक्कर में। वो देखें बिल्कुल सन्नाटे में बैठा हुआ है यार, ये देखें ना बिल्कुल अंदर, उसको कोई वो ही नहीं है इतनी ज़्यादा, वरना उसके साथ एक पार्टनर था तो फिर भी वो यार खुश था, यहाँ पे घूम रहा था, अब जो उसके पास यार रहा ही नहीं वो पार्टनर, तो चुलबुल जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा देखे ना बहुत ज़्यादा मतलब सुस्त हो गया। तो यार अब हमें इसके लिए वापसी पार्टनर लानी पड़ेगी, तो खैर यार गलती हो गई भाई मुझसे, वो निकल गई गलती से बहुत, कोई जान पूछ के नहीं निकाली यार, समझ नहीं आया बस दोस्तों कैसे तैसे निकली, कुछ भी समझ नहीं आया। बाकी दोस्तों हमने तकरीबन सारे का सारा खिला पिला के फारिग कर दिया है पूरे के पूरे सेटअप को। बाकी मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता चलूँ यार, सुबह में जो है मैंने और भाई ने, हमजा भी आज फारिग था तो मैंने बोला यार ये करा लो काम, और अत्थर भाई भी, तो हम तीनों ने मिलके यार ये जो हमारा टेंट देखें नीचे आ रहा था ना इसको बिल्कुल फिक्स करके बांध दिया है। अब देखें कितना ऊंचा हो गया है यार ये, इसकी छत हमारे सेटअप की अब कितना खुला खुला लग रहा है, और हमारे सर पे भी एक बोझ नहीं है, और बिल्कुल सेटिंग से हमने कस के बांध दिया है और वहाँ पर ज़्यादा ले लिया पूरे का पूरा, ठीक है। और बाकी ये जो जगह है ना अब हमारे को इधर कोई भी काम नहीं करना, ये बिल्कुल फिक्स है। अब सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी है, वो मैं तुम लोगों को जल्द अज जल्द दिखाऊंगा, बहुत अच्छी लगेगी तुम लोगों को सेटिंग। बाकी दोस्तों एक चीज़ और है, वो देखें दोस्तों हमने लाइट की भी सेटिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दी है, एक से दो दिन में हम ये भी कर देंगे सेटिंग। एक एलईडी मैंने वहाँ लगा दी है, एक एलईडी जो है दोस्तों वहाँ पे लगेगी, तो इंशाल्लाह ये भी ना अब से एक से दो दिन में पूरा काम हम सेट कर देंगे, बेहतरीन किस्म का हो जाएगा। फिर हमें जो है रात में भी अगर चक्कर लगाना हो तो हम अपने परिंदों को देख सकते हैं कि रात में हमारे परिंदे जो हैं वो क्या कर रहे हैं और कैसे हैं, किस तरीके से रहते हैं। तो किसी दिन मैं नाइट का भी ब्लॉग आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, तो कमेंट में लाजमी बताना अगर नाइट का ब्लॉग बनाना हो तो मैं लाजमी बनाऊँगा। तो खैर से दोस्तों जो होना था यार वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। बाकी दोस्तों चुलबुल हमारे पास अकेला रह गया है, तो उसके लिए क्या मुझे एक और डव लानी चाहिए, तो ये आप लोग कमेंट में बताएँ ताकि मैं देखूं, फिर अगर कमेंट आए तो फिर मैं उसके लिए लेकर आऊं, या फिर अभी डफ को मैं रखूं, या फिर चुलबुल को भी हम छोड़ दें, या क्या करें, तो ये आप लोग बताएं ताकि फिर हम वही करेंगे उसके साथ। बाकी दोस्तों आज का व्लॉग यार यहीं एंड करता हूं, क्योंकि शुरू में ही कल हम अच्छी खासी वीडियो यार हमने बना ली थी डफ के चक्कर में, और उसको पकड़ में नहीं आ पाई यार वो, बस इस चीज़ का वो है कि वो चली गई हमारे पास से। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल अगर मैं शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े मज़े के व्लॉग्स के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।